वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी हम शकील अमदेद और हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन हमने पहले लेक्चर में कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ चीजों का मतलब किया था इस लेक्चर में हम फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ स्टडी करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का इन्हिसार उसकी उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के कामयाब होने पे होता है यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेसफुल है तो हम कहते हैं कि उस कंपनी के उस ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो हैं, वो मीट किए जा रहे हैं लेकिन ये कैसे मुमकिन हो रहा ये है ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो हैं, ये किस तरह कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को इसका दारो एक चीज पे है और वो है कम्युनिकेशन यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का फ्लो क्या है जैसे किसी सेहतमंद आदमी की सेहत का राज जो है वो उसके जिसम में खून के रवा होने पे है इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन के कामयाब होने का दारो जो है वो कम्युनिकेशन के फ्लो पे है कम्युनिकेशन का ये फ्लो क्या होता है इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जरा तस्वुर कीजिए किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लोग ने वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं यानी ऑर्गेनाइजेशन में पाया जा रहा है कभी वो आते हैं और कभी नहीं आते टर्नओवर है ग्रीवेंसिस हैं शिकायत है एम्प्लॉज को अपनी मैनेजमेंट के साथ क्या आप तस्वर कर सकते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो सकती है और अगर कामयाब नहीं हो सकती और ये बीमारियां अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं तो इनकी क्या वजूहत है जरा किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जहन में लाइए कि जिसके एम्प्लॉयज जो हैं वो बहुत खुश हैं सेटिसफेक्शन है उनको क्यों सेटिसफेक्शन है क्यों उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट जो है वो रोज बरोज जो है वो बढ़ती जा रही है इन तमाम सवालों का जवाब आप कि कौन सी चीजें किसी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाबी की तरफ ले जाती हैं कि जिसमें प्रोडक्शन होती है प्रॉफिट होता है और जिसकी वर्क फोर्स जो है वह सेटिस्फेक्शन महसूस करती है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसमें लोग जो है वो आने से कतराते हैं यानि सुबह ये सोचना कि आज का दिन पूरा जाके दफ्तर में कारखाने में गुजारना है तबीयत पर गां गुजरे या ये है कि लोग जो हैं वो एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ चले जाएं या शिकायत हर वक्त कंप्लेंट्स जो हैं वो ये हो जब भी दो आदमी आपस में बैठे हुए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अपनी कंपनी के बारे में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपनी वहां पे पैदा होने वाले मसाइल के बारे में तो ये इन तमाम चीजों को समझने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में समझें कि ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी जो है वो कैसे होती है और जैसे कि मैंने अभी कहा कि ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का राज जो है वो उसके अंदर कम्युनिकेशन के फ्लो पे है तो हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और कम्युनिकेशन का फ्लो क्या होता है आपने ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बहुत पढ़ा होगा आपने ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी स्टडी कर ली है इसके अलावा आपने मैनेजमेंट का टॉपिक जो है वो भी पढ़ लिया है तो यूं ऑर्गेनाइजेशन की बुनियादी डेफिनेशन जो है आप उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं आपने ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो डेफिनेटली आप इनसे वाकिफ हैं आइए जरा आपको दोबारा याद करवाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल टेड फॉर समिकल प्रोफेल रिलीज सोशल और अदर पर लोगों का इज्तम है मजमु है कि जहाँ लोग किसी कारोबारी मकसद के लिए किसी सियासी मकसद के लिए किसी पेशा वाराना मकसद के लिए कुछ समाजी काम करने के लिए या कोई मजहबी काम करने के लिए इकट्ठे होते हैं यानी इस डेफिनेशन के रूप से हम ये कह सकते हैं कि हकूमत भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और होती है और आप इससे वाकिफ हैं। इसी तरह एक छोटी से छोटी दुकान भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है इनके ऑर्गेनाइजेशन होने में कोई फर्क नहीं है इसी तरह एक मस्जिद भी एक आ, क्योंकि वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि वहां कुछ मजबी लोगों का मजमु है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लोगों के मजमुए को एक जगह होने को जाहिर करती है लेकिन ये लोगों का मजमु उसी वक्त किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी खास तरह की ऑर्गेनाइजेशन को वजूद में लाता है जब उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का एक मकसद होता उनका एक पर्पस होता है और वो पर्पज क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रियलाइज करना उनको अचीव करना तो जैसे कि मैंने कहा इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएटेड फॉर सम कॉमन पर्पज एंड कैन बी एनी पोलिटिकल पर्पज एनी प्रोफेशनल पर्पज एनी रिलीजियस पर्पज एनी बिजनेस पर्पज और शो ऑन एंड शो ऑन बट इट्स एक्टिविटीज रिक्वायर ह्यूमन बींग टू इंटरक्ट एंड रियक्ट एंड इज कम्युनिकेशन यानी इसकी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज जो है वो रिक्वायर करती हैं कि उसके जो अफराद हैं उसकी जो वर्क फोर्स है वो आप उसमें इंटरेक्ट करें यानी मुझे आपसे कोई आपको कोई मैसेज पहुंचाना है तो मैं आपको एक मेमो लिखू या मुझे कोई चीजें चाहिए तो मैं आपको एक उनकी सप्लाई की एक लिस्ट बना के भेजू इसी तरह ये इंटरेक्शन है इसी तरह आपको मुझसे कोई काम है तो आप मुझे को मेमो को लेटर को फोन कॉल कोई भी मैसेज भिजवाए ताकि मैं उसके मुताबिक रिएक्ट कर सकू सो वी एक्टिविटी मीन्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर ह्यूमन बींगन बींग पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरक्ट एंड रिएक्ट एंड दैट इज कम्युनिकेशन

कोई ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती है तो फिर उसमें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है आपको क्या जरूरत है मुझे क्या जरूरत है मैं एम्प्लॉय हूं आप मेरे एम्प्लॉयर हैं तो मुझे चाहिए कि आप मुझे बताएं कि मैं क्या करना है इस तरह जो मैंने काम किया उसकी रिपोर्ट जो है वो आपको चाहिए तो हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर दे इसी तरह हमने मनसूबा बंदी करनी है कि हमने किस तरह अपने कामों को करना है हमने प्लानिंग करनी है हमने रूल्स बनाने हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह चलेगी हमने बाहर की दुनिया से काम करना है तो हमने प्रपोजल बनानी है कुछ चीजें उन्हें बतानी है और कुछ चीजें उनसे पूछनी है मुख्तु कॉन्ट्रैक्ट में जाना है सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट में जाना है और मुख्तलि किस्म के कॉन्ट्रैक्ट जो है उनमें जाना है इसी तरह मुख्तलि अग्रीमेंट जो है वो करने हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें लोग जो है हर वक्त जो है वो مصروف ہیں کہ وہ تبادلہ کر رہے ہیں ایکسچینج کر رہے ہیں इन्फॉर्मेशन कहीं कन्वे कर रहे हैं कहीं से रिसीव कर रहे हैं कहीं बैठे प्लान्स कर रहे हैं कोई रूल्स बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अग्रीमेंट जो कर रहे हैं लेकिन ये तमाम काम किस वक्त मुमकिन है उस वक्त जब आप में स्किल हो कौन सी स्किल हाउ टू कम्युनिकेट कि आपने कम्युनिकेट जो है वो कैसे करना है लेकिन ये कम्युनिकेशन कैसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए परफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी जो काम करें वो कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए करें और ये ख्याल है कि कम्युनिकेशन जो है इट विद द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन में जो आप वर्क लगा रहे हैं वो ओवरऑल कॉस्ट जो है उसमें वो ऐड हो रही है तो इसलिए इसको एक बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत है सो वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ये कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ लाइन और लाइफ ब्लड की तरफ है लेफ्ट सी के, के ये कैसे फ्लो जो है ये मूव करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वी से दैट इट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट ओनली टेक प्लेस विद इन दर्गेनाइजेशन इट ऑल्सो फ्लोज आउटसाइड दर्गेनाइजेशन यानी कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ अंदर ही नहीं होता यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन ही के लोग कम्युनिकेशन में मुंसलिक नहीं होते राधर इट इंटरेक्ट विद आउटसाइड दर्गेनाइजेशन द पीपल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इंटरक्ट विद पीपल आउटसाइड दर्गेनाइजेशन जैसे इफ आर कंट्री इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्टिंग विद डिफरेंट कंट्रीज विच आर ऑल्सो लाइक ऑर्गेनाइजेशन तो कम्युनिकेशन जो है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर दोनों सतह पे हो रहा होता है इसके अलावा कम्युनिकेशन जो है इसकी कुछ टाइप्स को भी हम करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो ना सिर्फ ये फॉर्मल होता है बल्कि इनफॉर्मल भी होता है जिस तरह मैंने कहा एक्सटर्नल होता है इसी तरह इंटरनल भी होता है यानी ये इंटरनली भी कम्युनिकेट करते हैं लोग और एक्सटर्नली भी और फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी अब हम देखते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह करते हैं लोग और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह करते हैं फॉर्मल इन फॉर्मल को हम इंटरनल और एक्सटर्नल में अलग अलग स्टडी करेंगे सो so,

मुखलिफ टीय होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं जो हम अभी देखेंगे उसके जरिए होते हैं तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है दैट इज प्लान कम्युनिकेशन और इसके जो मीडिया है या मुख्तलिफ चीजें जिनके जरिए हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं इट कैन बी मैमोस इट कैन बी लेटर्स इट कैन बी रिपोर्ट पीरियोडिकल रिपोर्ट वीकली रिपोर्ट ए मंथली रिपोर्ट क्वार्टरली रिपोर्ट एट्सट्रा एट्सट्रा तो मुख्त रिपोर्ट जो है इनके जरिए हम कम्युनिकेट जो है वो कर रहे होते हैं इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम इनफॉर्मली भी कम्युनिकेट करते हैं ये कैजल कानवर्सेशन है ये टेलीफोन कॉल होती हैं ये फेस टू फेस मीटिंग्स है इस तरह के तमाम जो है इनको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर जिक्र करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली ये फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो हर वक्त हो रही होती है अब लेट सी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो उसका फ्लो किस तरह चल रहा होता है साफ जाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कुछ टॉप मैनेजमेंट है कुछ लोअर लोअर लेवल पे लोग जो है वो काम कर रहे हैं और कुछ बिल्कुल इक्वल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं इनको समझने के लिए जरूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि कम्युनिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे होती है मिसाल के तौर पे अगर कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो रही है टॉप टू यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव जो है वो नीचे पास ऑन किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसको हम डाउनबोर्ड्स कम्युनिकेशन के नाम से मासूम करते हैं अगर जो एम्प्लॉज जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के या वर्कफोर्स में से कोई इंडिविजुअल जो है वो या ग्रुप जो है वो टॉप मैनेजमेंट से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो अब कम्युनिकेशन जो है उससे मासूम होती है और ऑब्वियसली दो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल रैंक के दो लोग भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं दो डिपार्टमेंट भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये हॉरिजनटल कम्युनिकेशन हो रही है यानी फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन

और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि कम्युनिकेशन करने वाले लोग जो हैं वो तमाम मीन तमाम मीडिया तमाम चैनल्स से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो और उनको इफेक्टिवली यूज कर सकते हो नाउ लेट्स सी दैट हाउ कम्युनिकेशन टेक प्लेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में और मैनेजमेंट में स्टडी किया होगा ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट

फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो कैसे वर्क कर रहा है मिसाल के तौर पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फॉलोज द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड यानी ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड जो है इसके जरिए से कम्युनिकेशन का फ्लो जा रहा है जैसे मिसाल के तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हेड जो है वो उसके प्रेजिडेंट कर रहे हैं या एग्जीक्यूटिव सी कर रहे हैं उसके बाद निचला टियर है वो वीपीज हो सकते हैं फाइनेंस के प्रोडक्शन के मार्केटिंग के सेल्स के उसके बाद उससे निचला टियर आता है वो सेल्स मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर एटसेट्रा एटसेट्रा उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं और इस तरह नीचे उतरता जा रहा है तो ये इनमें से हर टियर जो है वो एक चैनल है ऑफिशियल मैसेजेस को कन्वे करने का डाउनवर्ड्स या आप तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो इसी ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड के जरिए होती है जिसमें हर बॉक्स जो है वो लिंक होता है दूसरे बॉक्स के साथ अब जैसे कि हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन जो है वो डाउनवर्ड्स हो रही होती है अपवर्ड्स हो रही होती है और हॉरिजोनली हो रही होती है अब हम देखते हैं कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो क्या है इट्स वेरी क्लियर फॉर्म टर्म

जब टानवर्ड्यू कम्युनिकेशन जो है वो वाक होती है तो इसके नतीजे में एम्प्लॉयज में क्या होता है सबसे पहली बात ये कि दे आर बेटर मोटिवेटेड किसी भी वर्कफोर्स के मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है कि उसका लिंकेज जो है वो अपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ वो बहुत अच्छा होना चाहिए वर्क को पता हो कि उसकी टॉप मैनेजमेंट जो है वो उनसे क्या चाहती है तो डीजन जो है वो बनाए टॉप मैनेजमेंट के बाद से जाते हैं लेकिन वो उसके बाद नीचे पास ऑन कर दिए जाते हैं उन लोगों को कि जिन लोगों ने उस आ, उन उसको कैरी आउट करना इस तरह ना सिर्फ ये कि ये मोटिवेट करती है बल्कि एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है लोग जो हैं वो एफिशिएंसी जो है उनके अंदर पैदा होती है तो टॉप मैनेजमेंट के गोल्स ऑर्डर्स जो भी उनके ऑब्जेक्टिव हैं जब वो डाउनवर्ट आते हैं तो उसके नतीजे में मोटिवेशन होती है और एफिशेंसी जो है वो आ, बढ़ती है ना सिर्फ ये बल्कि इट इंक्रीज सेटिस्फैक्शन यानी ये क्या करती है ये सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करती है जब एक एम्प्लॉय जो है वो जानता है कि उससे क्या काम की तो की जा रही है तो जब वो उस काम को करेगा तो उसके नतीजे में उसके अंदर जो है वो सेटिस्फेक्शन जो है वो पैदा होगी ना सिर्फ ये कि सेटिस्फेक्शन पैदा होगी बल्कि ये है कि वो उसको पता होगा कि उससे क्या जॉब डायरेक्शन जो है वो दी जा रही है उसको जिन सेफ्टी रूल्स की जरूरत है जिन फैक्ट्स की जरूरत है जिनसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज के बारे में जान सकता है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकता है ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट के बारे में जान सकता है रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल इश्यूज तो इसके नतीजे में वो एक सेटिसफेक्शन जो है वो उसके अंदर पैदा होगी और इस सेटिस्फेक्शन के नतीजे में बेहतर फंक्शनिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करेगी सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है इट

आ, उनको अपने बारे में बहुत सी चीजों का जानने का पता लगता है यानी पेंशन के बारे में वो जान सकते हैं वो अपनी हेल्थ पॉलिसी के बारे में जान सकते हैं अपनी से अपनी आ, प्रमोशन जो है इसके बारे में वो जान सकते हैं तो इन तमाम बातों इन तमाम बातों के बारे में डाउन कम्युनिकेशन जो है वो एम्प्लॉयज के अंदर एक स्पिरट जो है वो पैदा करती है और यूं वो एक अच्छी तरह फंक्शन कर सकते हैं कम्युनिकेशन के बाद अगली चीज जो है वो है अवर्ड्स कम्युनिकेशन अवर्ड्स कम्युनिकेशन एज इट्स क्लियर फ्रॉम इट्स वेरी नेम इज द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम द लोअर मैनेजमेंट टू द अपर मैनेजमेंट यानी वर्क फोर्स से जो कि टॉप मैनेजमेंट की तरफ पैगामाद जो है मैसेजेस जो है वो जा रहे हैं उसको हम अपर्ड कम्युनिकेशन के नाम से कहते हैं शन जो है इट है टॉप मैनेजमेंट टू मेक इंटेलिजेंट डिसीज टॉप मैनेजमेंट जो है ऑब्वियसली इट नीड सर्टन रिपोर्ट दैट आर सेंड टू दैम रेगुलरली बेस ऑन वीकली बेसिस मंथली बेसिस क्वार्टली बेसिस एटसेट्रा लेकिन ये तमाम चीजें जो है जब फॉर्मल तरीके से आती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन तो, जो है टॉप मैनेजमेंट में उसको डिसीजन लेने में आसानी होती है ना सिर्फ ये कि डिसीजन लेने में आसानी होती है कई एग्जेकटिव जो हैं, वो ये चाहते हैं कि उनको पता लगे कि मार्केट्स में क्या ट्रेंड्स जो हैं वो आ, हो रहे हैं उनकी वर्क फोर्स जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोच रही है आ, मुख्तलिफ अहकाम जो हैं जो उन्होंने प्लानिंग के हवाले से या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को मीट करने के हवाले से दिए थे उनको कैसे रियलाइज किया जा रहा है इन तमाम बातों को जानने के लिए उनके पास ये जरिया जो है वो आवर्स कम्युनिकेशन का ये कम्युनिकेशन जो है फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है यानी रिपोर्ट लेटर मेमोस के जरिए भी होती है और जरूरत के तहत एक इट कैन बी अ फोन कॉल और इट कैन बी ए फेस टू फेस मीटिंग और डिपार्टमेंट तो आज कम्युनिकेशन जो है ये टॉप मैनेजमेंट को अपनी प्रॉब्लम problem, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद देती है और अपने फर्दर प्लानिंग को बेहतर तरीके में से करने में मदद देती है तीसरी किस्म की कम्युनिकेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कम्युनिकेशन है दैट इज हॉर्जोंटल कम्युनिकेशन हॉरिजोटल कम्युनिकेशन इनेबल्स टू डिपार्टमेंट टू पीपल टू फंक्शन प्रॉपरली सो वी कैन से हॉर्जोंटल कम्युनिकेशन हेल्प पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम परफॉर्म जॉब ड्यूटीज प्रिपेयर फॉर मीटिंग एंड को ऑपरेट ऑन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट सो ये तमाम काम जो है ये हॉरिजोनटल के वो आपस में काम कर सकते हैं मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं अपनी ड्यूटी जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का तस्वर कर सकते हैं जिसको हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करें और जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट काम कर रहे हों कि उसका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट जो है वो अगर बंद कर दिया जाए तो बकिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्थीली स्मूथली रन करती रहे आप यकीन मुझसे इतफाक करेंगे दैट्स नॉट पॉसिबल तो एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन कोऑर्डिनेशन अगर ये कोऑर्डिनेशन ना हो और ये कोऑर्डिनेशन जो है टेक्स प्लेस थ्रू दिस कम्युनिकेशन जिसमें दो आदमी दो लोग चाहे वो छोटी छोटा सा कोई इदारा है जिसमें दो चार लोग हैं वो दो चार लोग भी जो हैं वो एक दूसरे के साथ जब तक मिलके काम नहीं करेंगे वो छोटा इदारा जो है वो कामयाब नहीं हो सकता और जहां तक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात है उसमें तो आप हम किसी हमें किसी यानी मुगालते का अंदेशा ही नहीं है कि वो बगैर कोऑपरेशन के काम नहीं कर सकता एक मुल्क है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत छोटे छोटे से डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट मिलते हैं तो मुल्क चलता है तो इस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन uh, जो है ये अपनी जगह पे एक बहुत अहम uh, uh, जगह रखती है तो हमने जिक्र किया कि इंटरनली इंटरनल कम्युनिकेशन जो है ये इसका फ्लो जो है वो तीन तरीके से होता है एक फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू डाउनवर्ड्स फ्राम डाउनवर्ड्स टू टॉप मैनेजमेंट फ्राम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट और ये तमाम वर्क में करते रहते हैं और ये फॉर्मल भी होता है और ये इनफॉर्मल भी होता है जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ चैनल जो है कम्युनिकेशन को फ्लो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो जिनमें फॉर्मल भी आते हैं इनफॉर्मल भी लेटर्स मेमोज एट्सट्रा रिपोर्ट एटसेट्रा इसी तरह फेस टू फेस मीटिंग टेलीफोन में टेलीफोन कॉन्वर्सेशन इसी तरह ईमेल्स मेल्स ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हुजम क्या है आजकल जो है जिस तरह एक पेपरलेस रेवल्यूशन जो है वो चल रही है तो बहुत सा काम जो है वो इंटरनेट के जरिए ईमेल्स के जरिए हो रहा होता है और आप देखें कि किसी भी uh, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो टेबल्स जो होंगे वो आपको अक्सर खाली मिलेंगे क्यों एक कंप्यूटर पड़ा हुआ सारे है सारे मेल्स जो हैं उसके थ्रू जो है वो रिसीव और सेंड किए जा रहे हैं इट डजेंट मीन के पेपर बिल्कुल ही खत्म हो गया वो पेपर को अब भी इस्तेमाल लेटर अब भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक बड़ा अहम सोर्स है डॉक्यूमेंटेशन को प्रिजर्व करने का लेकिन जो डे टू डे बिजनेस है वो ई के जरिए हो रहा है हम आगे भी इसका जिक्र करेंगे कि इसकी क्या अहमियत है यार हैंडल करना चाहिए so let's see what internal informal communication is so every organization has an informal communication network a grapevine that supplements official channel it is important source of information it is casual conversation of an organization so, any informal communication you have एक ये ऑर्गेनाइजेशन ये के अंदर एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन है इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं अगर आप किसी डिक्शनरी में इसका मीनिंग देख रहे हो तो आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रेव वाइन जो है इट्स इट्स अ मीन मीन ऑफ पासिंग इट्स अ मीन ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन और सम न्यूज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन यानी ग्रेव वाहन में कोई खबर जो है वो एक फर्द जो है वो दूसरे फर्द को पासउन करता है आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको पता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो किसी लेटर के थ्रू आपको नहीं मिलती हैं किसी ईमेल में आपको ऑफिशियल ईमेल में आपको मौसू नहीं होती किसी की कोई तरक्की हो या कोई और मामला हो गया तो ये तमाम बातें जो है वो आपस में दो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो शेयर करते हैं यानी अगर एक दिन में आप अपने लोग सारा दिन सुन रहे हैं बातें कर रहे हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ तो उसमें बहुत सा वक्त जो है वो आप ऑर्गेनाइजेशन ही के बारे में गुफ्तु करते हुए गुजारते हैं तो ये इस मीन्स के जरिए इस चैनल के जरिए बहुत सी बातें जो है जो बेसिकली कंपनी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुतालिक होती हैं, वो आप एक दूसरे को पासऑर्न कर रहे होते हैं ये मैनेजमेंट के लिए एक बहुत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये इनफॉर्मल चैनल जो है ये मैनेजमेंट के लिए खास तौर पे टॉप मैनेजमेंट के लिए अगर अगरचे बास टॉप एग्जीक्यूटिव इस बात को पसंद नहीं करते देटन टू देअर डिसीजन मेकिंग कि ये चीज जो है ये उनके डिसीजन मेकिंग जो है उसको थ्रेटन कर सकती है लेकिन कुछ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो खुद जो है उसको इनिशिएट करते हैं टैप इनटू और खुद जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करते हैं ताकि वो जान सकें कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुख्तलिफ लोग जो है वो किस तरह सोचते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से क्या चीजें जो है उसके एम्प्लॉज में उसकी वर्कफोर्स में जानी जाती है तो ये कुछ चीजें थी जिसको हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इंफॉर्मेशन सर्कल के हवाले से जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल फ्लो है कम्युनिकेशन का उसके हवाले से अब हम देखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है वो कैसे होती है ऑब्वियसली एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एज इट इज वेरी वेल क्लियर फ्रॉम इट्स मीनिंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट प्लेस बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन मोर देन टू ऑर्गेनाइजेशन यानी दो ऑर्गेनाइजेशन या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत से लोग बहुत से डिपार्टमेंट्स जो मुख्तफ सलाहियतों के हामिल होते हैं वो मिलकर काम करते हैं इसी तरह एक्सटर्नल कम्यूनिकेशन में भी बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ मिलकर काम कर रही होती है यानी आप सपोज आप किसी मैनुफेक्चरिंग यूनिट में है आप कोई चीज जो है वो मैन्यक्चर कर रहे हैं तो इस चीज क्या रॉ मटेरियल हो सकता है आपको किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से खरीदना पड़े तो आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब वो आप चीजें मंगवा रहे हैं तो आप कोई वो मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसके साथ भी मुत्ल होंगे तो अब आपको ऐसी एजेंसी के साथ मुताल होना पड़ेगा जो ट्रांसपोर्टेशन में आपको हेल्प करती हैं तो आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे इसी तरह आप कोई सप्लाईज आपकी नीडेड सप्लाइज जो हैं उनको आप ऑर्डर दे रहे हैं तो उनके लिए आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे ऐसे इधारों के साथ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कि आपकी रिक्वायर्ड जो सप्लाइज हैं उनको दे सके अब इसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व है और फाइनेंस जब इन्वॉल्व हो जाता है तो उसमें बैंक जो है वो आ जाते हैं तो आप बैंक के साथ भी कर रहे होते हैं आप की ऑर्गेनाइजेशन का एक इमेज है और इस इमेज के हवाले से आप मार्केट में अपने ऑर्गेनाइजेशन के इमेज को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इस हवाले से आपको लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इमेज को आगे ले जाने के लिए अपनी गुडविल को क्रिएट करने के लिए इसी तरह स्टेक होल्डर्स हैं यानी बहुत से लोग जो हैं जो किसी ना किसी हवाले से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुताल हैं ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती हैं तो सारे काम जो हैं वो सीधे नहीं होते कई दफा आपको ऐसे कामों से भी मसाइल से भी दो चार होना पड़ता है जिसके लिए आपको कोई यानी कोच के साथ आप मुता होते हैं आप अपने लीगल एडवाइजर्स जो हैं उनके थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू उन कोर्ट्स के साथ आप मुताल होते हैं इसी तरह आप की ऑर्गेनाइजेशन को समूथली रन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि मार्केट में आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो कौन हैं तो ताकि आपको पता लगे कि आपका अपने उन कंपेटिटर्स में उस खास एक रूप में किस जगह आप स्टैंड कर रहे हैं आपको क्या जरूरत है और आगे बढ़ने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना है अपने आप को भी और उनको भी और ये आ, यानी इंटरक्टिव एक, एक तरह से है कि जब तक आप उनको नहीं जानेंगे आप अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते है। मीडिया है मीडिया आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक हो सकते हैं अगर चाहे मीडिया किसी भी वक्त किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक हो सकता है लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनमें मीडिया का खास अमल दखल होता है तो मीडिया से आपको इंटरेक्ट करना है तो आप बहसी एक ऑर्गेनाइजेशन के आप बैक वक एक बहुत बड़े सर्कल के साथ मुतालिक है यानी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं बहुत से लोगों के साथ और बहुत से लोग जो हैं वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं इसी तरह ये कम्युनिकेशन जो है ये भी दो लेवल पे हो रही है फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्मल ऑब्वियसली जिस तरह इंटरनल कम्युनिकेशन में ये प्लान कम्युनिकेशन होती है इसी तरह ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में भी एक प्लान कम्युनिकेशन होती है आप लेटर्स लिखते हैं आप रिपोर्ट्स लिखते हैं आप ईमेल भिजवाते हैं तो इस तरह की बहुत सी जो चैनल आपके पास अवेलेबल है वो आप प्लान करके एक्सटर्नल कम्युनिकेट करते हैं इसी तरह आप कैजुअल कॉन्वर्सेशन यानी कुछ इनफॉर्मल भी आप जाते हैं तो आप फेस टू फेस मीटिंग भी लोगों के साथ होती हैं टेलीफोनिक मैसेज जो है वो भी एक्सचेंज होते हैं और मुख्तलिफ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के और भी इनफॉर्मल सोर्सेज है वो आप यूज करते हैं तो आइए जरा देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सटर्नली किस तरह वो मुख्तलिफ दूसरी ऑर्गेनाइजेश सर्कल uh, के अंदर वजूद रखती है सो इफ यू लुक एट दिस वे यूर यूल सी दैट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन सो इन देंटर द कोपोरेशन इज यू इज योर ऑर्गेनाइजेशन सो यू आर कम्युनिकेटिंग विदन प्रोफेशनल सर्विस लाइक ऑडिटर्स लीगल एटसेट्रा यू आर Interacting with suppliers, vendors, you are interacting with distributor, wholesaler, franchiser, retailer, agents, you are communicating with uh, governmental agencies, regulator offices, you are communicating with codes, foreign governments and offices, the media, trade association, competitors, other businesses and industries. स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप यानी आप कोई ऐसा खास इंटरेस्ट ग्रुप हो सकता है मिसाल के दौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसे इक्विपमेंट बनाती है जो डिसेबल लोगों के काम आती है तो उसमें एन जो है वो आपके साथ इंटरक्ट कर रहे हैं तो ये इस तरह के स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप जो है इसी तरह जनरल पब्लिक पोटेंशियल इंप्लॉय पोटेंशियल कस्टमर्स पोटेंशियल स्टेक होल्डर सिमिलरली सर्टन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी स्टेक होल्डर इन्वेस्टर लेंडर्स कस्टमर क्लाइंट आप ये देखें कि आप वर्क जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर इंटरैक्ट करते हैं और इस इंटरक्शन को अगर सही तरीके से ना किया गया तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस सूरत में कामयाब हो सकती है इसका आप खुद अंदाजा कर सकते हैं तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम जुज है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है ये मुख्तलिफ तरीके से की जा सकती है जैसे कि मैंने कहा कि ये लेटर्स के जरिए से की जा सकती है ये रिपोर्ट के जरिए से की जा सकती है ये इनफॉर्मल तरीके के साथ इसमें कोई टेलीफोनिक मैसेज हो सकता है ये फेस टू फेस मीटिंग हो सकती है तो मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ चैनल जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को करने का एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है उसका इहसार जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के उन लोगों पर है कि जो बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट करने की सलाहियत जो वो so, है वो रखते हैं सो आप ये सोचिए कि जब आप इतने ज्यादा लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुतालिक है तो आपका एक सही खत सही लेटर आपका एक प्रपोजल आपका किसी कंप्लेन्ट का जवाब दे देना आपके किसी एंग्री कस्टमर को वापस दिला सकता है तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की असल कामयाबी का जामन है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है ये बेसिकली तो वही इंटरनल कम्युनिकेशन ही से वजूद में आती है लेकिन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है ये आपको उस आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद देती है तो अगर हम आज की इस तमाम गुफ्तगु को जरा दोबारा देखें तो आज हमने कम्युनिकेशन फ्लो के हवाले से स्टडी किया कि हाउ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन इज and its flow in an organization the success of any organization depends on this flow that how uh, smoothly this runs into the veins of an organization ke kisi organization ki veins mein communication ka flow jo hai wo kis organization एज ए ग्रुप ऑफ पीपल और जब लोग मुतक होंगे तो लोग जो है वो मुख्तलिफ केपबिलिटीज़ के हामिल होते हैं मुख्तलफ़ उनके अंदर स्किल्स होती हैं मुख्तलिफ तरीके से वो रिएक्ट करते हैं मुख्तलिफ तरीके से इंटरक्ट करते हैं तो इन तमाम चीज़ों को समझने समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं रन कर सकती अगर कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है जैसे हमने कहा कि इस फ्लो का इन जो है वो एक उस ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्क फोर्स है उसकी सेटिस्फेक्शन के ऊपर मुनहसर है यानी अगर फ्लो जो है वो प्रॉपर होगा तो उसकी वर्क फोर्स जो है वो सेटिस्फाई फील करेंगे सेटिस्फाई फील करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में उसकी प्रोग्रेस में उसकी प्रॉफिट में मुस्तक इंक्रीज जो है वो होगी और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में ये फ्लो प्रॉपरली नहीं रन कर रहा होगा तो कौन सी तीन बातें वा, वाक्य हो जाएंगी जिनका मैंने जिक्र किया था एक एबसेंटिजम एक ग्रीवेंसिस पैदा हो जाएंगी और एक टर्न ओवर हो जाएगा एक बात याद रखें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती उसकी ट्रेंड और स्किल फोर्स जो है वो छोड़ के चले जाए मुख्तलिफ अदादुम के मुताबिक अमेरिका का जो, जो पूरी वर्क फोर्स है उसका जो टेन परसेंट जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है वो इन तीन बातों की वजह से होता है इनको जरा अपने मुल्क के नारे में रखें तो इसकी अहमियत या इसकी शिदत या इसकी परसेंटेज में ऊपर नीचे होने का अंदाजा आप खुद कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी अगर इस तरह आ, होता है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कामयाब नहीं होती तो उसमें इस बात का भी बहुत इहसार होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एहकाम नहीं आ, काफी है यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क फोर्स को यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखने के लिए ये नहीं है कि उसके कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हो क्योंकि टर्नओवर कर जाएंगे एम्प्लॉय अगर वो सही तरह फ्लो में नहीं होंगे तो वो ये जॉब छोड़ के किसी और जॉब में चले जाएंगे और ये बात याद रखें कि, कि कोई एम्प्लॉय जो होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसके पूरे कल्चर से कुछ अर्सा रहने के बाद उसके पूरे कल्चर से वाकिफ होता है और उस कल्चर में जब एक नया आदमी आता है तो उसको उस कल्चर को समझने में कितनी देर लगती है इसका अंदाजा आपको हुआ होगा या आप इसको कम से कम अंदाजा तो कर सकते हैं कि आप कि अपनी किसी जगह रहते रहते किसी स्कूल में किसी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते स्विच ओवर किसी दूसरे कॉलेज में किसी दूसरे स्कूल में चले जाते हैं तो आपको किस तरह आ, मुश्किल पेश आती है आपको कुछ टाइम लगता है उस जगह अपने आप को एडजस्ट करने में इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में है और ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें आपने किस तरह से इंटरेक्ट इन, करना है किन चैनल्स को यूज करना है किस मीडिया को यूज करना है फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो क्या होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो क्या होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है और इन इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है इन तमाम बातों से वाकिफ हुए होने के बाद ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें अपना अफेक्टिव रोल जो है वो आ, उसको आ, कर सकते हैं उसको प्ले कर सकते हैं आपकी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के दोनों के सक्सेसफुल होने का दारोमदार ही इस कम्युनिकेशन के फ्लो के ऊपर है सो so, हमने ये देखा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लोग आपस में मिलके काम करते हैं और वो किस मकसद के तहत काम करते हैं वो मकसद कोई प्रोफेशनल हो सकता है वो मकसद जो है वो कोई बिजनेस हो सकता है किस तरह वो कम्युनिकेट करते हैं और ये कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो किस तरह ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है इंटरनली और किस तरह ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नली चलाता है याद रखें कि आपका प्रॉपर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का जामिन है आप जितना प्रॉपरली वो कम्युनिकेट करेंगे उतनी ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कामयाब होगी आपको कलेक्शन लेटर्स लिखते हैं कलेक्शन लेटर जो है ये आपने जो अपने जो पैसे हैं दूसरों से लेने के लिए, लिए लिखते हैं ऑबियसली आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी कलेक्शन जो है वो एक बहुत आसान मरहला है लेकिन कभी कभी इसको मुख्तलफ मराहल से भी गुजरना पड़ता है बज दफ़ा कुछ बैड डेट्स जो हैं वो भी पैदा हो जाते हैं तो इस सूरत में कलेक्शन मैनेजर जो है या जो कलेक्शन कलेक्शन लेटर राइटर जो है उसकी बहुत जिम्मेदारी है कि वो बहुत बेहतर तरीके से कलेक्शन लेक्चर जो है वो लिखे इसके लिए वो तमाम कॉन्सेप्ट और वो तमाम टेक्निक जिनका हमने पिछले लेक्चर में हवाला दिया उनको जानना बहुत जरूरी है इसी तरह आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुख्तु सप्लाईज नीडिड सप्लाई जो है उनको ऑर्डर देना है उनको किस तरह स्पेसीफाई करना है ये भी एक बहुत अहम चीज़ है कि किस तरीके से आपने अपनी जो नीडेड सप्लाइज हैं उनको कम्युनिकेट करना है उनको किस तरह आपने यानी उसमें ऑर्डर फॉर्म्स में आपने उसको लाना है ताकि आप उन तमाम आपको वो प्रोडक्ट जो है वो ना सिर्फ ये कि आपको अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक मिले बल्कि ये भी है कि वो जब आपको चाहिए तब मिले और जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तहत चाहिए वो उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तहत मिले तो इन तमाम चीजों के लिए जरूरी है कि आपकी जो कम्युनिकेशन की स्किल है वो बहुत जरूरी हो कम्युनिकेशन की स्किल आपकी कामयाबी की जामिन है ये जो बार बार कम्युनिकेशन के हवाले से कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से आ, हम जिक्र कर रहे हैं इसको इसका क्या बहुत अहम वजह यह है इस चीज तरह यह हमारी नफस्यात में उतर जाए यानि ये एक ऐसा एटीट्यूड जो है वो डिवेलप करे कि जिसके नतीजे में हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली फंक्शन जो है वो कर सकें क्योंकि इसके कामयाबी का इहसार जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के साथ मुतालिक है तो इस बात का ख्याल रहे ये कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत पिविटल रोल की हामिल है इट इट इज इट सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन सो इट्स अ वेरी प्राइस क्वालिटी इफ यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड प्रॉपरली इट्स मीन दैट यू आर सक्सेसफुल एंड एज वेल एज योर ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुल हमें उम्मीद है कि आपने आज के इस लेक्चर में कम्युनिकेशन फ्लो के हवाले से चीजों को आ, जाना और ये चीजें जो हैं आपको इस बात का अंदाजा कराने में हेल्पफुल होंगी कि कैसे आप अपने आप को बेहतर कम्युनिकेटर बना सकते हैं और कैसे आप इस फ्लो में अपने आप को लेके जा सकते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मुख्तलिफ थीज ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे Uh, और देखेंगे कि किस तरीके से ये फ्लो जो है ये वर्क uh, करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या दो कम्युनिकेटर्स के अंदर तो आज का लेक्चर जो है इसको हम यही पेताम करते हैं थैंक यू वेरी मच